अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं बनाऊंगी बकरे की पाई की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। विंटर स्पेशल रेसिपी है, तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बकरे की पाई ले ली है 6 अदद। उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया, और बस इसको अब तमाम बकरे की पाई जो है वो मैं एक पतीले में शामिल कर दी हैं। अब इसमें थोड़े से खड़े गर्म मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 दालचीनी, 2 तेज़पत्ते, 3 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 6 अदद लौंग, 1 छोटी चम्मची सफ़ेद ज़ीरा और 1 छोटी चम्मची साबित काले मिर्च का ले लिया। सबको शामिल कर देंगे पाई में। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 बड़ी प्याज ली थी, उसे काट के वो भी शामिल कर देंगे। 1 खाने का चमचा मैंने यहाँ पर अदरक का पेस्ट ले लिया है, वो शामिल करेंगे। 1 खाने का चमचा लहसुन का पेस्ट, वो भी शामिल कर देंगे। नमक लिया है हसब ज़रूरत, आप अपनी ज़ायके के हिसाब से लीजिए। और सबसे आखिर में शामिल करूँगी यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मची हल्दी पाउडर। हल्दी शामिल करने के बाद अब इसमें पानी शामिल करूंगी, तकरीबन 6 से 7 गिलास या इतना पानी डालेंगे कि बकरे की जो पाए हैं पानी में अच्छी तरह डूब जाएं, क्योंकि अब हम इसे पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, या इतनी देर पकाएंगे कि बकरे के जो पाए हैं उसकी बड़ी अच्छी सी यखनी तैयार हो जाए और पाए जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ। बस अब इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से चला कर ढक देंगे और उबाल आने तक पहले तेज़ आँच पर और फिर धीमी आंच पर तकरीबन 3 घंटे तक के लिए पका लेंगे। 3 घंटे के बाद बकरी के पाए तकरीबन तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर देखिए कितनी अच्छी तैरी भी आ गई है। बहुत से लोग बकरी के पाए में महक की शिकायत करते हैं, लेकिन जो हमने इस पर खड़े गरम मसाले और हल्दी डाली है वो इसीलिए कि बकरी के पाए में महक बिल्कुल ना आए। और इसके जायके में मज़ीद इजाफा करने के लिए अब हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पतीले में 4 से 5 खाने के चम्मच तेल के शामिल किए हैं। तेल गर्म हो गया तो अब मैंने यहाँ पर एक छोटी प्याज को बारीक काट कर डाल दिया है और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया। फिर इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल करके लहसुन अदरक की अच्छी तरह भुनाई कर ली। अब यहाँ पर मैंने 1 बड़ी प्याज को थोड़े से पानी के साथ पीस लिया और उसे लहसुन अदरक में शामिल कर देंगे। साथ ही थोड़े से खुश मसाला शामिल करेंगे। 1 छोटी चम्मची कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मची पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और मिर्च जो है वो अपने जायके के हिसाब से शामिल करें। दोनों जो मिर्चें हैं मैंने भर भर के यानी हीफुल डाला है। अब यहाँ मैंने 1 छोटी चम्मची हल्दी पाउडर का शामिल कर दिया। प्याज और मसालों की अब 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसका 6-7 मिनट के बाद ये चूल्हा जो है मैंने इसका बंद कर दिया था इसकी भुनाई करने के बाद, क्योंकि अब मुझे इसमें दही डालना है और दही में बिल्कुल क्रम्बल ना हो, बिल्कुल इसकी जो गुठली ना बने, इसलिए मैंने जो है इसका चूल्हा बंद कर दिया था। इसका थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है मसाले का। मैंने यहाँ पे दही ले लिया है 1 कप। ये दही जो है फेटा हुआ दही है, गाढ़ा, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ठीक है, इसको एक दफ़ा मिक्स कर लूंगी और फिर इसका जो है चूल्हा जो है खोल दूंगी। ठीक है, हमें कोरमा तो बनाना नहीं कि दानेदार चाहिए, तो हमने इसलिए हम लोग को कुछ शोरबा चाहिए, तो बिल्कुल प्लेन शोरबा हो, इसके लिए मैंने इसका चूल्हा जो है बंद कर दिया था। ठीक है, चूल्हा खोल के अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट इसकी दोबारा से अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे कि तेल वापस ऊपर आ जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे यखनी बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, तेल ऊपर आ गया है। तो अब मेरे पास जो यखनी और पाए हैं वो सारा मैं इस मसाले के अंदर शामिल कर दूंगी। यहाँ पर मैंने पाए को जो है फ्राई नहीं किया मसाले में, क्योंकि पाए के सारा जो जायका है, जो सारी गजाइत है, वो यखनी में पहले ही आ चुके हैं। और यखनी को भी मैंने छाना नहीं, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो मुझे डिस्कार्ड करनी हो। सारा मसाला जो भी है, बहुत ही कम मसाले में इसकी यखनी बनी थी, तो सारा मसाला, सारी यखनी और जो पाए हैं वो मैंने डायरेक्ट मसाले में शामिल कर दिया है। हाँ, अगर आपको लगे कि आपकी जो यखनी है वो किरची हो रही है, मतलब उसमें हड्डी की ज़रात वगैरह है, तो आप एहतियात के तौर पर आप इसको छान के अलग कर सकते हैं। बस अब यहाँ पर इसको मैं मज़ीद जो है धीमी आँच पर रख करके 1 घंटा और पका लूँगी, तो वहाँ पर फिर हमारे जो पाए हैं वो तैयार हो जाएंगे। यहाँ बकरी की पाई को पकते हुए मज़ीद 1 घंटा हो चुका है और क्या ही ज़बरदस्त का कलर आया है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। पाई भी बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं, बस इसमें एक लास्ट स्टेप बाकी है, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। बस आखिर में इसमें शामिल करूँगी 1 छोटी चम्मची घर का पिसा हुआ खुशबूदार गर्म मसाला। इससे पाई में सारी जान आएगी, खुशबू और ज़ायका इससे कई गुना बढ़ जाएगा। थोड़ी सी आँख में शामिल करूंगी बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस इस पॉइंट पर आप नमक भी चख लें, अगर आपको नमक कम लगे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, मैं इसमें थोड़ा सा नमक और शामिल कर दिया। बस अब इसे मज़ीद 15 से 20 मिनट मज़ीद दम पे रखेंगे, ताकि जो भी मैंने मसाले अभी आखिर में डाले यानी कि गर्म मसाला वगैरह, वो अच्छी तरह से इसमें पाए के साथ रश बिस जाएँ और फिर ये पाए जो हैं हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। 20 मिनट्स के बाद यहाँ पे ज़बरदस्त जो है पाए तैयार हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे चूल्हा बंद कर दे रही हूँ। ठीक है, ये देखिए इसका अपना रोगन कितना ज़बरदस्त है, और ये देखें इसका शोरबा भी तैयार है। मैं अब आपको उसको सर्व करके दिखाती हूँ। ठीक है,
अल्हम्दुलिल्लाह पाई की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे गर्मा गर्म नान और चपाती के साथ सर्व करें और साथ में इसके हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक और नींबू भी सर्व करें। इससे पाई को खाने का जो टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और खाने में और भी मज़ा आता है। तो ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।